अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले कि हम आज की वीडियो के मेन कंटेंट्स पे आए, फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस मायसेल्फ। माय नेम इज मोहम्मद तैयब। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एंड रनिंग माय ओन अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी फर्म विद द नेम एंड स्टाइल तैयब एंड को Chartered Accountant, where we provide accounting, audit, tax and other business advisory services. I am member of ICAP, member of PIFA, member of Karachi Tax Bar Association, member of CPD Committee of ICAP, member of Karachi Branch Committee of PIFA. I am president of CA Toastmasters Club Karachi. I am also master practitioner of neuro-linguistic programming. मुझे accounting, audit और tax की field में practice करते हुए तकरीबन 9 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और मैंने observe किया है कि बहुत सारे लोग tax सीखना चाहते हैं। अगर मैं उनको categorize करूँ तो दो types के लोग हैं जो tax सीखना चाहते हैं। एक वो लोग हैं जो accounting और finance की field से वाबस्ता है और वो किसी कंपनी में अकाउंटिंग या फाइनेंस के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह टैक्स की इम्प्लिकेशन आ रही है और हर रोज कोई ना कोई अमेंडमेंट आती रहती है। तो वो लोग टैक्स सीखना चाहते हैं और अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं ताकि वो उनको कंप्लाई करके अपनी कंपनी को नॉन कंप्लाइंस से बचा सके। और जब वो अपनी कंपनीज को नॉन कंप्लाइंस से बचाएंगे, टैक्स सीखेंगे, तो ज्यादा चांसेस होंगे तो वो अपने करियर में ग्रो करेंगे और अपनी प्रमोशन करवाएंगे। दूसरे वो लोग हैं जो अकाउंटिंग और टैक्स की फील्ड से वाबस्ता नहीं है, मगर क्योंकि वो टैक्स पेयर्स हैं, वो जानना चाहते हैं हमारे ऊपर क्या क्या टैक्स कानून एप्लीकेबल हैं, मगर कुछ वजूहत की बिना पर उनको वो प्रॉपर मालूमात नहीं मिल पाती। मेरे हिसाब से अब हर किसी को टैक्स के बुनियादी मसाइल, बुनियादी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई टैक्स पे कर रहा है। जब उसको पता होगा कि मेरे ऊपर क्या क्या कानून एप्लीकेबल हैं तो वो उसको बेहतर तरीके से कंप्लाई कर सकेगा, और पता ना होने की वजह से उसकी नॉन कंप्लाइंसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वैसे भी इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, और जब टैक्स के बारे में पता होगा, वो अपने लॉज को प्रॉपर फॉलो कर रहे होंगे, अपने मुल्क पाकिस्तान को एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ मदद करेंगे, तो उसका भी फायदा होगा और पाकिस्तान का भी फायदा होगा। तो मैंने ये सोचा है कि मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं कवर करूंगा इनकम टैक्स, फेडरल सेल टैक्स, प्रोविंशियल सेल टैक्सेस और कंपनी एक्ट। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ का सवाल हो तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं या दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब भी फ्री टाइम मिला तो आपको उसका जवाब जरूर मिल जाएगा। इंशाल्लाह अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।